हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। सो आज की वीडियो होने वाली है पूरा वेडिंग मस्ट हैव्स, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ शेप वेयर्स, ऑल्सो आप बैकलेस ब्लाउजेस, बैकलेस सूट्स, इन सबके साथ क्या पहन सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो हैविंग गुड पेटीकोट ऑप्शंस फॉर यू गाइज। सो अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ, और आपकी शादी हो रही है तो भी सब आपके बहुत काम आने वाला है। एंड ये वीडियो एंड तक देखना, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन दिस वीडियो। ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम क्लोविया, बिकॉज आई हैव डन लाइक टू हॉल वीडियोज फ्रॉम क्लोविया, एंड मुझे उनके इनर वेयर की क्वालिटी काफी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस रेंज। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मस्ट हैव वीडियो किया जाए वेडिंग सीजन के लिए, एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। एंड मैंने भी कुछ नई चीजें इस बार मंगाई हैं, एंड आई हैव ट्राइड देम आउट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू। सो आई थिंक वी शुड गेट स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इट इज दिस। तो इसका पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी कि वेबसाइट पे कैसा लगता है देखने में गाइस। तो इसके अंदर आपको ये चार स्टिक ऑन ऐसे पैड्स टाइप के मिलेंगे, एंड ये बहुत कंफर्टेबल है, मैंने ट्राई किया है इसका। सिंपली आपको पीछे से ये रैपर उतारना है, एंड यू कैन स्टिक इट देयर, और उसके बाद आप कोई भी स्ट्रैपलेस या बैकलेस ब्लाउज पहन सकते हो। आई थिंक दीज आर रियली यूजफुल। बस इनमें एक ही चीज है कि आप इन्हें दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हो। इसमें जो कलर है दैट इज ऑल्सो स्किन कलर, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, किसी भी कलर के कपड़े के साथ आप इनको पेयर करके पहन सकते हो। एंड अगर आपका टॉप काफी बैकलेस है तो आपके लिए ये परफेक्ट है एकदम, एंड बैलेंस इज एवरीथिंग रियली वेल। तो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ सबके प्राइस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल्सो गाइज, आप ये पार्टनर कोड यूज करके भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, पार्टनर कोड विच इज मंत्रा, एंड ये जितने भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो गाइज, एक बार मैंने एक वीडियो किया था दैट की ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ क्या पहने, तो उसमें मैंने एक सिलिकॉन ब्रा दिखाई थी। द सेम ब्रा आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड फ्रॉम क्लोविया, एंड इनकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने फैब्रिक दिया है फ्रंट में, एंड पीछे इसमें सिलिकन के स्टिकॉन्स हैं। आप ये पॉलिथिन उतार के इसको रीयूज कर सकते हो, एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये रीयूजेबल है, आप कई बार इसको यूज कर सकते हो। मैंने एक और ऑर्डर किया था किसी और वेबसाइट से, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकली, बट आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस वन। इसका जो फैब्रिक है फ्रंट में काफी अच्छा दिया है इन लोगों ने, एंड सबसे अच्छी बात है इट्स रीयूजेबल। तो अभी मैंने आपको जो टेप्स वाले ब्रा दिखाए थे वो आप बहुत इमरजेंसी में यूज कर सकते हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि स्ट्रैपलेस भी है बैकलेस भी है, एंड बिल्कुल यू डोंट वांट टू शो एनीथिंग, तो आप सिंपली उन्हें यूज कर सकते हो ड्रेसेस वगैरह के नीचे। बट दीज आर मोर रिलायबल, अगर आपको कुछ मोर रिलायबल चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, बट मैं स्किन कलर ही रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज इट्स मोर यूजफुल देन एनी अदर कलर। जनरली तो हम लोग ब्लाउज में पैड्स वगैरह लगवा लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई ब्लाउज जैसे इसमें हमने पैड्स नहीं लगवाए हैं, तो इस तरह की जो सिलिकॉन स्टिकॉन्स ब्रा होती है वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। दीज आर बैकलेस एज वेल एज स्ट्रैपलेस। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है, इट इज फॉर द पीपल जिन्हें सिर्फ बैकलेस चाहिए। सो ये एक प्रॉपर ब्रा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ब्रेस्ट एरिया हैवी होती है, वो लोग पूछते हैं कि सिमरन हम ये स्टिकॉन्स वाली ब्रा नहीं पहन सकते, तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर ब्रा चाहिए जिससे कि अच्छा सपोर्ट मिल सके, बिकॉज वी कांट कैरी दीज, ये मतलब काम नहीं करते उन लोगों के लिए। तो उनके लिए आई हैव अ परफेक्ट ब्रा ऑप्शन हियर, जिसमें कि स्ट्रैप्स भी ट्रांसपेरेंट है और बैक भी ट्रांसपेरेंट है, तो ये आपके बहुत काम की चीज है। सो ये कुछ ऐसी लगती है इसकी, एकदम जो स्ट्रैप्स हैं ट्रांसपेरेंट हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें कप्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी लाइट कप वाली ब्रा भी ले सकते हैं, क्लोवे पे अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कपड़ा काफी अच्छा है इसका। एंड दिस इज द बैक, तो ये बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट है, एंड यहाँ पे साइड में बंद होता है, क्योंकि अगर सेंटर में बंद करने का देंगे तो फिर वो दिखाई देगा बैकलेस में, तो इसमें साइड क्लोजर दिया है, एंड That's how it looks like. So ये best option है उन लोगों के लिए जिनका breast area heavy है. So I will definitely recommend you this because this is so practical. वो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई स्टिकॉन्स वाली, वो या तो तब काम करेंगी कि आपका breast area normal है, ज़्यादा heavy नहीं है, या फिर आपको छोटे मोटे ड्रेस के नीचे पहनना है तो, but this is the more reliable stuff. अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप डेफिनेटली एक ऐसा पीस खरीद सकते हो, अगर आपको बैकलेस या फिर ऐसी कुछ चीजें पहननी है। सो गाइस, ये तो कफ वाला ऑप्शन था, उसके अलावा मेरे पास सिंपल ऑप्शन भी है, अगर आप सिंपल खरीदना चाहते हैं तो ये प्लंज नेक के लिए है, जो थोड़ी डीप नेक भी होती है तो उनके लिए ये एक अलग ऑप्शन है। इसमें वी नेक फ्रंट में दिया गया है, एंड इसकी स्ट्रैप्स और बैक दोनों ही स्ट्रैपलेस है अगेन, तो ये भी काफी काम की चीज है, इसमें भी साइड क्लोजर आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, एंड इसमें नीचे काफी अच्छा यू नो यहाँ पे एक इलास्टिक दी गई है विच इज वेरी गुड फॉर सपोर्ट। तो अगर आप यू नो थोड़े वी नेक जैसे स्टाइल के आजकल ब्लाउजेस चल रहे हैं, उसके लिए आप एफसे वाले ब्रास डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी उनमें क्या होता है कि बैकलेस भी होते हैं, डीप वी भी होता है, तो वी के लिए आपका ये बहुत काम आने वाला है, जो वी नेक वाली ब्रास होती हैं, तो उसमें आराम से आप डीप वी नेक पहन सकते हो। सो गाइस, ये तो हो गया बैकलेस के नीचे क्या पहनना है। आई हैव अनदर गुड ऑप्शन फॉर यू, बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं ब्रालेट,
तो ब्रालेट होना इज रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्रालेट को आप एक्चुअली स्टाइल भी कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग नहीं कंफर्टेबल होते ऐसे ब्रालेट को स्टाइल करने में। बट जो सिंपल प्लेन ब्लाउज होते हैं उनके नीचे ये पहनोगे ना तो बहुत अच्छी शेप आती है, क्योंकि इनमें कप्स अच्छे से दिए होते हैं एंड साथ साथ ही काफी फैंसी भी लगती है। सो आप कुछ इस टाइप के ब्रालेट्स भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये उन लड़कियों के लिए है जिन्हें थोड़े से फैंसी ब्रा पसंद है, तो इफ यू आर गेटिंग मैरिड यू शुड डेफिनेटली ट्राई वन ऑफ दीज, बिकॉज ये इनका बहुत अच्छा कलेक्शन है। पूरा ये पूरा लेस पैटर्न में है एंड पीछे इसमें लगभग 5 हुक दिए हैं, तो इट्स वेरी स्टाइलिश। बट अगर आप ऐसे नहीं स्टाइल कर सकते हो तो डेफिनेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ अच्छा लगता है तो आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी गुड क्वालिटी। नेक्स्ट वेडिंग मस्ट हैव है मेरे पास शेप वेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज शेप वेयर बताओ कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, एंड प्लीज सिमरन हॉल बनाओ शेप वेयर का। तो मैंने भी एक बार ट्राई कर ही लिया है शेप वेयर, सो दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई हैव, इट इज दिस वन। तो ये कुछ इस टाइप का है, ये आपका पूरा टमी को टक कर लेगा, इट्स काइंड ऑफ टमी टकर, बट ये हर एक ड्रेस पे चल जाएगा, आपको ये बेज में भी मिल जाएगा एंड द क्वालिटी इज रियली नाइस एंड ये काफी कंफर्टेबल भी है पहनने में। अभी प्रेगनेंसी में तो मैं नहीं पहन सकती, बट नॉर्मली आप इसको पहन सकते हो एंड बहुत अच्छा शेप आता है आपकी कमर का, यहाँ से सूट वगैरह में बहुत अच्छे लगोगे वेडिंग्स में जाओगे, क्योंकि टमी अंदर टक हो जाएगी तो बहुत अच्छा कट आएगा आपकी बॉडी में यहाँ पे एंड इट्स रियली नाइस। ये डिफरेंट साइजेस में आई थिंक अवेलेबल है। ये वाले शेप वेयर जो है वो आप साड़ी के साथ तो नहीं पहन सकते, बट आप इन्हें सूट्स वगैरह के साथ, गाउन्स वगैरह के साथ पहनोगे ना तो बहुत अच्छी आपकी यू नो यहाँ से एकदम पतली सी कमर आती है एंड तो टमी भी टक हो जाती है, कमर थोड़ी पतली लगती है एंड इट लुक्स वेरी neat and clean when you wear a gown or an anarkali. Next wedding must have is a petticoat. So this is a petticoat. Basically this is also a kind of shapewear. इसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ ऐसे कट होता है एंड ऊपर फ्रंट में आपको ऐसे इलास्टिक मिलती है, तो ये जो है ना ये चलने में काफी कंफर्टेबल होते हैं नॉर्मल पेटीकोट्स के, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी में मैं वो वाले पेटीकोट नहीं पहन पा रही हूँ नाड़े वाले, तो ये वाले मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, इलास्टिक होता है एंड आराम से मेरे पेट पे ऊपर आ जाते हैं एंड इनमें चलने में दिक्कत नहीं होती, उठने में दिक्कत नहीं होती, बैठने में दिक्कत नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साड़ी जब आप पहनते हो तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है हिप से लेकर थोड़ा नीचे तक वो बहुत सुंदर आता है, बिल्कुल ऐसे कट आता है नीचे से, विच लुक्स वेरी नाइस इन साड़ी, बिकॉज हर लड़की की डिजायर होती है कि साड़ी में एकदम ये वाला लुक आए। ये जो शेप वेयर है एग्जैक्टली वही काम करता है, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस। मुझे इसमें स्किन कलर मिला नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, तो मुझे एक ऑरेंज चाहिए तो मैंने ऑरेंज ऑर्डर कर लिया है। बट अगर आपने कभी ये वाले पेटीकोट ट्राई नहीं किए हैं, यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दीज। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट काफी लंबे टाइम चलते हैं। आप एक बेज, रेड और ब्लैक तो डेफिनेटली खरीद लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये वाले कलर से आपकी मर्जी, आप खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। उसके अलावा मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कि मैंने खुद कभी ट्राई नहीं की थी, विच इज दिस ब्रा कवर, जो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत हैंडी रहेगा। आपके जितने भी ब्राज हैं जो पैड वाली ब्रा है वो बैग में नॉर्मली रखने से दब जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो आप ये वाला बैग ट्राई कर सकते हो अपनी ब्रा को एक जगह स्टोर करके बैग में रखने के लिए। सो दिस इज अ वेरी क्यूट पाउच, तो ये आप डेफिनेटली ले लो, बिकॉज मुझे लगता है कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड तो आप आराम से अपनी लेयरिंग करके ब्रा इसमें ले जा सकते हो एंड वो फिर अनटाइडी नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि सूट केस में वो बिखरी हुई होती है तो बहुत अजीब लगती है, तो एक जगह पे इकट्ठी रहेगी एंड सेफ रहेगी। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एंड इसमें यहाँ पे इन्होंने पाउच में एक चेन दिया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टोर अ लॉट ऑफ पैडेड ब्राज इन दिस, तो ये आप डेफिनेटली खरीद सकते हो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा शौक है तो। इनके अलावा मैंने कुछ बेसिक चीज़ें भी रखी, क्योंकि जब जनरली शादी होती है सो वी बाय न्यू इनरवेयर्स, तो मैं कुछ ब्रा ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे अगर आप सूट्स वगैरह, डीप नेक वगैरह ऐसा कुछ पहनना चाहते हो। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रा दैट आई गॉट फ्रॉम क्लोविया एंड दिस इज अगेन अ लेस ब्रा। ऐसी फैंसी ब्राज अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, दे लुक्स रियली प्रिटी। तो इसमें पूरे में लेस है एंड फ्रंट में ऐसे ये दिया गया है, तो सिंपल डेली वेयर के जो आप सूट्स पहनोगे शादी के बाद उनके नीचे आप इसे पहन सकते हो एंड ये वाली ब्रा जो है आप नॉर्मल सूट्स के नीचे पहन सकते हो, बहुत ज्यादा डीप नेक के नीचे ये नहीं चलेगी, इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन ब्रा, और टी शर्ट्स वगैरह के नीचे भी पहन सकते हो। तो ये वाली जो ब्रा है ये आप डीप नेक के नीचे पहन सकते हो, इट्स अ प्लंज नेक वी नेक ब्रा, तो आपके जितने भी यू नो डीप गले के सूट हम जो बनवाते हैं उनके नीचे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सी टी शर्ट ब्रा है, इसका कपड़ा भी काफी अच्छा दिया है अगेन इन लोगों ने, इसमें भी नीचे लेस है बट डेली वेयर के लिए वेरी गुड ऑप्शन। सो एक और ब्रा आई हैव विच इज अ वेरी डिफरेंट ब्रा, तो ये भी आपके डीप नेक्स के लिए काफी अच्छा काम करे। सो ये जो है फ्रंट ओपन ब्रा है, फ्रंट से खुलती है एंड बैक में इसमें सिंपल सा लेस दिया है, तो आपकी टी शर्ट टॉप्स वगैरह के लिए या फिर जो डीप नेक सूट है उनके लिए काफी अच्छा, जो काफी डीप नेक होते हैं ना उन पे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आगे से बहुत ज्यादा डीप है। बट अगर आपका ब्रेस्ट एरिया हैवी है तो मैं ये वाली ब्रा नहीं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज इट वॉन्ट गिव यू अ वेरी गुड सपोर्ट, बट हाँ ये काफी अच्छी सॉफ्ट सी
मैं ये नहीं कहूँगी इट्स अ ग्रेट क्वालिटी बट इट्स अ वेरी सॉफ्ट क्वालिटी, तो अच्छी है. अगर आपको फ्रंट ओपन वाली ब्रा ट्राई करनी है यू कैन डेफिनेटली ट्राई. वेडिंग को छोड़ के अगर हम नॉर्मली देखें तो अगर बेबी फीडिंग आप करते हैं तो भी आप ये वाली ब्रा ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर दैट. लास्ट मैंने एक सिंपल सी बस स्पेगेटी ऑर्डर की है बिकॉज स्पेगेटीज लुक रियली नाइस विद जैकेट्स एंड ऑल, तो मैंने सोचा क्यों एक स्पेगेटी ऑर्डर कर ली जाए क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है तो कलरफुल से अंदर स्पेगेटी आप इनर वेयर पहन के स्पेगेटी पहन लो फिर ऊपर से जैकेट पहन लो आपका काम हो जाता है. तो मैंने एक सिंपल सी स्पेगेटी ऑर्डर की है. इट्स अ वेरी सिंपल स्पेगेटी एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, बहुत अच्छी क्वालिटी की है. तो अगर आपको स्पेगेटी चाहिए प्लेन ब्लैक या फिर बेज तो आप क्लोविया से बाय कर सकते हो. सो गाइस दिस वाज टुडेज वीडियो. आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा. मैंने डीप नेक से लेके बैकलेस स्ट्रैपलेस ऑल्सो शेफवेयर में आप क्या पहन सकते हो सब कवर कर लिया है इस वीडियो में. आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो. तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय.